बनाते हैं तो यह है शंगला, यह भी बनाते हैं। ये शंगला ये किस काम में लगता है? यह लगता है मदरों में जी। तो ये जो है ये भी मदर पर रहती है। कहे उम्र इस वक्त कितनी होगी? मेरी उम्र है इस वक्त 70 साल के करीब। यानी कि 70 साल आपको हो चुके हैं आप? हाँ 70 साल हो चुके हैं। तो जब आपकी उम्र, कब से काम सीखा आपने? कितनी उम्र थी तब आप? मैंने बचपन से सीखा, मैं 5 साल का था तो बाप के साथ था, यही काम करके। यानी कि काफी शौक था आपको? हाँ बहुत शौक था काम का। कौन कौन से इलाके से आपके पास लोग आते हैं? हमारे यहाँ डोडा में हर इलाके के आते हैं, कभी कभी जम्मू से भी आते हैं, कभी कभी पठानकोट से भी आते हैं। तो बाकी तो ये सिराजी इलाका हमारा है, पाड़र तक ये तो लोग आते हैं हमारे पास। ये जो कुटका जो बर्तन आप बनाते हैं, इसमें जो लोग खाते हैं कितना फायदा उनको इस चीज से मिलता है? इससे बोलते हैं डॉक्टर लोग के अगर आप त्राम में खाओगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि त्राम को कलाई होती है, कलाई खाना मैदे के लिए बहुत मुफीद है। और त्राम के बर्तन में अगर पारे रखोगे तो पियोगे तो मैदा साफ होगा। कुटका बर्तन भी वैसा ही है, उठका बर्तन भी वैसा ही। मैं इस वक्त ठीक डोडा के गत्तू मार्केट में मौजूद हूँ, यानी कि डोडा की सबसे पुरानी मार्केट, और ये महला भी गत्तू महला है। और इस वक्त हम ठठियार की दुकान पे हैं, और काफ़ी पुरानी ये ठठियार की दुकान है, और एक दुकान इनकी मार्केट में है और एक दुकान इनकी यहाँ पे है गत्तू मार्केट के अंदर मौजूद है। और मोहम्मद शरीफ साहब काफ़ी बरसों से इस तरह का काम कर रहे हैं, और ये ठठियार की दुकान पे आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। त्रामे का ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये बर्तन है, और कुठ का सामान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और साथ साथ में ये कलाई भी करते हैं। और इनसे जानने की कोशिश हम करेंगे, जिस तरह से इनका ये मानना है कि काफ़ी दूर दूर इलाकों से हमारे पास लोग आते हैं, और एक ही दुकान मुझे लगता है डोडा के अंदर ये है अब, और काफ़ी बरसों से इस तरह का काम इनका है। इनका ये भी कहना है कि हमारी दादकी से इस तरह का काम है। शरीफ साहब बहुत बहुत वक्त देने के लिए शुक्रिया। क्या बताना चाहोगे स्पेशली हम आपके पास आ जाए हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप बनाते हैं? और ये भी मुझे बताएं क्या एक ही दुकान डोडा के अंदर आपकी है? ये एक ही दुकान है डोडा के अंदर, और हमारा एक लड़का भी आगे काम करता था, ये हमारा पुश्ती काम है, दादे परदादे का वक्त का काम है ये, और हम सब चीज़ें बनाते हैं। लगभग कितनी पुरानी दुकान आपकी यहाँ पे? ये कोई समझो कोई 150 साल की, 150 साल की दुकान है। तो कितनी खुशी से आप ये काम कर रहे हैं? खुशी से करते हैं आप काम, बहुत खुशी से करते हैं। थोड़ा बताएंगे आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और कितनी मेहनत इस काम में लगती है? हम वो मदर के नरसिंगे भी बनाते हैं, नागफिनी भी बनाते हैं, ये शंगला वगैरह त्राम के ये भी बनाते हैं। तो ये है शंगला, ये भी बनाते हैं। ये शंगला ये किस काम में लगता है? ये लगता है मदरों में जी। तो ये जो है ये भी मदर पर रहती है, कहे ये किसी के डेथ होती है तो वहाँ भी बजाते हैं जी जी, उसको भी बजाते हैं, किसी को बजाते हैं उधर भी बजाते हैं इसको। तो ये भी लोग ले जाते हैं। और दूसरी होती है एक सांप जैसा नागफिनी हम बोलते हैं उसको, वो भी हम बनाते हैं, और हम मस्जिदों के ब्रैंक वो भी बनाते हैं, यानी कि मीनार वगैरह जो भी होता है। हाँ मस्जिद जो ट्राम को उसको लगता है मस्जिद को, वो हम बनाते हैं। मदर को पीतल का लगता है, उसको हम पीतल का बनाते हैं। बस बाकी कुठ का काम भी हम करते हैं, यानी कि कुठ ये हुआ। हाँ कुट का काम भी आप? ये हुआ, इसको खासू बोलते हैं कश्मीरी में। ये जो कुट का जो बर्तन आप बनाते हैं, इसमें जो लोग खाते हैं कितना फायदा उनको इस चीज से मिलता है? इससे बोलते हैं डॉक्टर लोग के अगर आप त्राम में खाओगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि त्राम को कलाई होती है, कलाई खाना मैदे के लिए बहुत मुफीद है। और त्राम के बर्तन में अगर पारे रखोगे तो पियोगे तो मैदा साफ होगा। कुटका बर्तन भी वैसा ही है, कुटका बर्तन भी वैसा ही है, ये भी ये शुगर के काम में ज्यादातर आता है। कौन कौन से इलाके से आपके पास लोग आते हैं? हमारे
यहाँ डोडा में हर इलाके के आते हैं, कभी कभी जम्मू से भी आते हैं, कभी कभी पठानकोट से भी आते हैं, तो बाकी तो ये सिराजी इलाका हमारा है, पाड़ तक ये तो लोग आते हैं हमारे पास। तो क्या इस काम से घर का सर्कल वगैरह आपका चलता है? घर का सर्कल दाल फुल्का निकल जाता है, उतना प्रॉफिट इसमें नहीं है, मगर दाल फुल्का निकल जाता है। बच्चे वगैरह आपका इस तरह का काम कोई करता है? बच्चा हमारा एक करता है, एक लड़का हमारा करता है, आगे बाकी बच्चों ने सीखा नहीं। लगभग आपकी उम्र इस वक्त कितनी होगी? मेरी उम्र है इस वक्त 70 साल के करीब। यानी कि 70 साल आपको हो चुके हैं आप? हाँ 70 साल हो चुके। तो जब आपकी उम्र थी कब से काम सीखा आपने? कितनी उम्र थी तब आप? मैंने बचपन से सीखा, मैं 5 साल का था तो बाप के साथ था, यही काम करते। यानी कि काफी शौक था आपको? हाँ बहुत शौक था काम का। मैं अक्सर देखता हूँ, चाहे नाई की शॉप हो या आपकी शॉप हो, अक्सर भीड़ रहती है, लोगों की अलग अलग कहानियां देखते हैं, यहाँ पे सुनते हैं, उनसे डिस्कस आपका काफी ज्यादा होता है। हाँ बहुत डिस्कस होता है। तो यहाँ तो मुझे सिटी में तो मुझे हुए 30 साल काम करते हुए गतू मार्केट में, तो ये गतू की मार्केट है सारी, और दुकान मुझे ये भी गतू की है, तो ये इनकी है, शकील साहब की है, तो इसी में बैठा हूँ मैं, तो इसी में काम करता हूँ, मगर 30 साल मुझे प्रॉपर डोडा में हुए काम करते हुए। आपकी कलाई सुनने में आया कि काफी अच्छी कलाई आप करते हैं। हाँ बहुत अच्छी करते हैं, हमारे मुकाबले में श्रीनगर वाले भी कलाई नहीं करते हैं, हम करते हैं बहुत मेहनत से काम। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज होगा हमारे माध्यम से? है? क्या मैसेज होगा, जिसको काम कराना होगा तो बताइए, वो आ सकते हैं आपके, वो आ सकते हैं। चलिए मोहम्मद शरीफ साहब ने अपनी पूरी कहानी बताई, अपनी जर्नी के हवाले से बताया, कब से मैं काम सीख रहा हूँ, फैमिली में कितने लोग हैं और कौन 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 शख्स ये काम करता है, और बताया जब मेरे दादाजी थे तब से मैं इस काम को देख रहा था, और साथ साथ मेरे वालिद साहब जब इस काम को चला रहे थे तब भी मैं उनके साथ था, और ये पुरानी सी दुकान आपको देखने को मिलेगी, और आज इस तरह की चीज़ आपको कहीं पे भी देखने को मिली नहीं मिलेगी। ये देख सकते हैं आपकी, जिस तरह से उन्होंने बताया कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास हैं, ये देख सकते हैं आपकी काम किस तरह से कर रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट है, और हमने पूरी कोशिश की आज कि इस चीज़ को हम दिखाएं, क्योंकि काफ़ी पुरानी चीज़ है, और त्रामे का बर्तन भी हमने आपको दिखाया किस तरह का त्रामे का बर्तन भी है, मेरे बिल्कुल हाथ में आप देख सकते हैं त्रामे का बर्तन है, इस पर अभी कलाई नहीं हो चुकी है, और इन्होंने बताया कि इस पर भी कलाई होगी और इसको भी सजाया जाएगा, और इन्होंने बताया कि जो भी शख्स जिसने भी, ये देख सकते हैं आपकी इसकी कलाई हो चुकी है, तो कितना चमक रहा है, कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया है, और इनकी तारीफ काफ़ी ज़्यादा की जाती है, और आप भी अपना प्यार दीजिए, जिस तरह से उन्होंने बताया कि जिसने भी कोई कलाई वगैरह कोई भी काम करवाना हो वो हमारी शॉप की तरफ आ सकता है, विज़िट कर सकता है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गतू, डोडा।